सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लोकसभा के दूसरे चरण में जोरदार हंगामा हुआ है। मुद्दा बना है राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था, जिसको लेकर घोर निंदा हो रही है। सदन में सभी ने एक ही सुर में कहा राहुल गांधी माफी मांगे। जहां एक तरफ संसद के अंदर जोरदार हंगामा हुआ तो वहीं सदन के बाहर भी जमकर नारे लगे। खड़ा हुआ हूं, श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष के ऊपर भी बेबुनियाद एस्पर्शंस कास्ट किए, बेबुनियाद आरोप लगाए, उसके लिए भी मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और उन्होंने अध्यक्ष पर के ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए अध्यक्ष से भी माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ भारत का जो पार्लियामेंट है ये बहुत साउंड प्रिंसिपल्स पे चलता है। ये भारत के पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम विदेशी धरती पर करना बंद करें। जो व्यक्ति घंटों तक पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को भरपेट गाली देने का काम करे और वो कहे कि लोकतंत्र नहीं है, जो व्यक्ति सदन के अंदर अपनी सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के सामने अध्यादेश को फाड़ दिया हो, वो व्यक्ति भारत में मोदी को गाली देते देते लंदन जाकर के भारत को गाली देने लगा और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के भारत को गाली दिया, ये भारत को बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों पर तो अगर माफी नहीं मांगता है तो इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राहुल गांधी का बयान देश का अपमान है। राहुल गांधी देश का बंद करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। बता दें कि सीएम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करने गोरखपुर पहुंचे हैं, जिसके बाद सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां उनके साथ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे सामने जो भी प्रस्ताव चित्रगुप्त मंदिर, मुंशी प्रेमचंद जी, फिर आप गोरखपुरी जी या इस समृद्ध परंपरा के बारे में जो कुछ भी करने का अवसर राज्य शासन को प्राप्त होगा, हमें इसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी और हम लोग इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का आह्वान करूंगा कि हमें अपनी इस समृद्ध परंपरा पर, विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उसे किसी उन संकीर्ण दायरों में कैद करके नहीं, उसमें एक विराटता का दर्शन करवा करके संपूर्ण समाज को एकजुट करके एक बेहतर
तरीके से उसे नेतृत्व देने की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सभी मिलकर के कार्य करेंगे। आपके इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। चित्रगुप्त मंदिर सभा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा और भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित करके विकास की इस प्रक्रिया के जोड़ने के साथ के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दोहराने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय। खबर औरैया से है, जहां एक किसान की बेटी सौम्या दुबे का पहली बार में ही परीक्षा देकर पुलिस की एसआई पद पर चयन हुआ है। इस मौके पर महिलाएं और पुरुषों ने सौम्या दुबे का माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। बता दें कि सौम्या दुबे के परिवार बेटी का एसआई पद पर चयन होने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही सभी लोगों ने बूढ़े बाबा प्राचीन मंदिर पर फूल मालाओं के साथ सौम्या दुबे का स्वागत किया। मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ने में सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी मम्मी ने ही की है। और मतलब मुझे काम नहीं करने थे तो मैंने पढ़ने के लिए टाइम निकाला, तो इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।